कोलबा जिले में नगर पालिका निगम के नव पदस्थ आयुक्त आशुतोष पांडे ने सोमवार को निगम कार्यालय साकेत भवन पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है। बता दें कि आयुक्त पांडे ने सोमवार को निगम के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया, तो वहीं नव पदस्थ आयुक्त ने अधिकारी कर्मचारियों से उनका परिचय प्राप्त किया और सभी को टीम भावना के साथ कार्य करने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया। इसके बाद आयुक्त आशुतोष पांडे ने कहा कि नगर के विकास, जन सेवाओं और सुविधाओं पर कार्य करते हुए शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के त्रुटि रहित संचालन पर विशेष फोकस रखा जाएगा, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का अधिकाधिक लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे। अभी मैं सेक्रेटरी लेवल का हूँ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में, और आप लोगों का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया हमसे, और इसके पूर्व मैं रायगढ़ नगर निगम में कमिश्नर रह चुका हूँ लगभग सवा साल, और इसके अलावा CEO बड़ौदा बाजार, ADM रायपुर, दो मंत्रियों का विशेष सहायक और संभागीय उपायुक्त, संभाग कमिश्नर के यहाँ, इसके अलावा उप सचिव मंत्रालय, कई जगहों पे SDM। इस तरह आप देखेंगे तो 16 साल का जो मेरा करियर है, इसमें लगभग 12-13 जगहों पे और जिलों में भी मैंने अलग अलग, राजस्व में हो, चाहे अर्बन में हो या फिर RD में, रूरल डेवलपमेंट, उस पर मैंने काम किया है और उस पर काफ़ी संतोषजनक और अच्छा काम करके दिखाया है। इसके अलावा मैं राज्य प्रशासनिक संघ का अध्यक्ष भी हूँ विगत 6 सालों से सारण सिन्हा साहब के बाद, और उस पर भी संघ की गतिविधियों में भी काफ़ी अग्रसर होकर मैंने काम किया है। कोरबा नगर निगम की कार्यप्रणाली मेरे लिए नई नहीं है, क्योंकि मैं पहले नगर निगम में कार्य कर चुका हूँ, तो उससे ये थोड़ा सा विघट हो सकता है, लेकिन जो मूल संरचना है नगर निगम की वो वही रहती है। मेरे यहाँ